हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 18 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, 18 नवंबर के हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रोज की तरह पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। तो इतनी क्लास को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ 25 मिनट बने रहेंगे, जिसमें आज हम 70 क्वेश्चन लगभग जो है सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपने 18 नवंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गाँवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है। तो यूनेस्को ने 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है। ये 24 तटीय गांव अगर पूछे किस राज्य के हैं तो उड़ीसा के हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए तो यूनेस्को की जो दूसरे क्रम की वैश्विक सुनामी संगोष्ठी बैठक हो रही है, ये कहां पर हो रही है? तो ये यूनेस्को में हो रही है। यूनेस्को की दूसरे क्रम की वैश्विक सुनामी संगोष्ठी का आयोजन अगर पूछे कहां किया गया है तो इंडोनेशिया में किया गया है। और यहीं पर यूनेस्को के द्वारा 24 गांवों को तैयार सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये 24 गाँव किस राज्य के हैं? उड़ीसा के हैं। ठीक है, जो सही हो जाएगा। जो 24 गांव हैं किस राज्य के हैं? उड़ीसा के हैं, जिसको सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता किसने दी है? यूनेस्को ने दी है, जिसकी दूसरी या सेकंड वैश्विक सुनामी संगोष्ठी का आयोजन कहां किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया है। अब बात करते हैं यूनेस्को में भारत के कुल कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं? तो 43 शामिल हैं। 43वां है मोईदम, जो कि असम का कब्रगाह है। वहीं बात करें यूनेस्को में भारत के अमूर्त धरोहर कितने शामिल हैं? तो 15 शामिल हैं। 15वां पूछे कौन सा है? तो गरबा नृत्य है। यूनेस्को में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं? तो 12 शामिल हैं। यूनेस्को में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर अगर पूछे कौन सा है? कोझिकोड है। और ये किस राज्य का शहर है? तो यह केरल का शहर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 3 लोगों को मिला है और ये तीनों कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। किसे मिला है? तो एस मोगलू को, जॉनसन को और रॉबिन्सन को। इन 3 लोगों को 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन सा है? तो यूके यानी ब्रिटेन है। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम है सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो यह BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थापित होगा। और इसके पूछे संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह उड़ीसा को मिला है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में सुपर टाइफून कैसा टाइफून है? तो सुपर टाइफून मैन ई से किस देश के 6.5 लाख से ज़्यादा नागरिक विस्थापित हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडो फिलीपींस के। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो सुपर टाइफून जिसका नाम है मैन ई, इससे प्रभावित होकर फिलीपींस के 6.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इसकी व्याख्या देख ले तो सुपर टाइफून जिसका क्या नाम है? तो मैन ई नाम है। इससे प्रभावित कौन सा देश है? तो फिलीपींस है। फिलीपींस जो है अगर पूछे किस द्वीप पर स्थित है? तो लुजोन द्वीप पर स्थित है। और इसी लुजोन द्वीप पर फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अगर पूछे सुपर टाइफून से कौन सा द्वीप है? तो लुजोन द्वीप है। और यहीं पर जो है 6.5 लाख लोगों को जो है यहाँ से विस्थापित करके फिलीपींस के दूसरे द्वीप पर भेजा गया है। अब बात कर लेते हैं ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ स्थित है? तो मनीला में स्थित है। कहाँ? मनीला में। और वहीं अगर पूछे मनीला किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है। विश्व चावल अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ स्थित है? मनीला में स्थित है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ दिया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है मनीला में। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल अभी जो है भारत ने किसे निर्यात किया है? तो यह फिलीपींस को निर्यात किया है। हाल ही में चर्चा में रही अनलीज्ड
पुस्तक का संबंध किससे से है? तो यह पुस्तक है बोरिस जॉनसन जॉनसन का, और ये कौन है? तो ये इंग्लैंड के पूर्व पीएम हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सोर्स कोड पुस्तक अगर पूछे किसकी है, बिल गेट्स की है। बी कमिंग पुस्तक अगर पूछे किसकी है, तो बी कमिंग पुस्तक है मिशेल ओबामा का। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसका है, तो सैम पित्रोदा जी का है। और नेक्स्ट बात करें वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक है नटवर सिंह का। किसका है, तो नटवर सिंह का है। आई हैव द स्ट्रीट पुस्तक किसकी है, तो आर अश्विन जी की है, जो कि क्रिकेटर है। हाल ही में 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो अंकुश सचदेवा जी को मिला है। हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो फ्रांस है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27,000 करोड़ रुपए के थालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है, तो यह उड़ीसा में रखी है। तीसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन सा है, तो किस रिपोर्ट के आधार पर, क्लाइमेट ट्रेस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शंघाई। इसकी अगर व्याख्या देखें तो क्लाइमेट ट्रेस एक रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन सा है, तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन उत्सर्जन करता है, तो शंघाई करता है, जो कि यांग टीसी नदी के किनारे स्थित है। और यांग टीसी क्यांग जो ये नदी है, ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दूसरा स्थान कौन सा है, तो टोक्यो है। तीसरा स्थान न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क अगर पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक तीन देशों के शहरों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन से संबंधित अगर पूछे पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो जापान के शहर क्योटो में हुआ था, और इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल अगर पूछे किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल अगर पूछे प्रभावी कब से हुआ है, तो 2005 से यह प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें हाल ही में ATP शंघाई मास्टर्स 100 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो जेनिक सिन्हा ने जीता है, और ये कहाँ के हैं, इटली के हैं। हाल ही में नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा, तो फिनलैंड में स्थापित करेगा। फिनलैंड की अगर पूछे कि फिनलैंड को ही झीलों का देश कहते हैं, और जो फिनलैंड की मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा कौन सी है, तो क्रोन यहाँ की मुद्रा है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो INS संधायक है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड जिसका नाम है शक्ति का संबंध किससे है, तो शक्ति फ्यूजन बैंड किसका है, तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। चौथा प्रश्न हमारा है हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना GCON पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो GCON पुरस्कार किसका है, तो यह नाइजीरिया का है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। GCON पुरस्कार यह क्या है, तो यह नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है, और यह अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, तो PM मोदी जी को प्रदान किया गया है, और ये दूसरे विदेशी व्यक्ति बन गए हैं। और पूछे कि पहले कौन है, तो पहले विदेशी हैं महारानी एलिजाबेथ, इन्हें कब दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था। तो नाइजीरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान अगर पूछे अभी तक दो ही विदेशी व्यक्तियों को दिया है, पहले दिया था एलिजाबेथ जी को, अब दे दिए हैं PM मोदी जी को, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अगर बात करते हैं कि मोदी जी जो है नाइजीरिया गए, फिर उसके बाद डोमिनिका गए, तो डोमिनिका जो देश था, यहाँ डोमिनिका देश ने भी अपना सर्वोच्च पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया है, तो PM मोदी जी को दिया है, क्योंकि COVID-19 के दौरान PM मोदी जी ने डोमिनिका देश को टीका उपलब्ध करवाया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 17 देशों के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले एकमात्र व्यक्ति अगर पूछे कौन है, तो विश्व के एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में अगर पूछे सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, इसकी राजधानी का क्या नाम है, तो अबूजा इसकी राजधानी है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर को मनाया गया है। अब की बार थीम रखी गई है विश्व मानक दिवस की, बेहतर दुनिया के लिए के पहले साझा दृष्टिकोण, इसकी थीम रखी गई है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किस देश से है? तो यह फ्रेमवर्क अगर पूछे किस देश में हुआ था, तो जापान में हुआ था। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह कजाकिस्तान और इंडिया में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश पूछे कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में ही SCO 2024 की बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोष मोचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया है? तो बांग्लादेश को किया है। किसके माध्यम से? तो भारत के माध्यम से किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच में बिजली संयंत्र को लेकर समझौता हुआ है, और यहाँ पे जो है नेपाल यहाँ पे है और इसके बाद बांग्लादेश यहाँ पे है, तो बीच में अगर पूछे कौन सा देश पड़ रहा है, तो भारत पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर नेपाल को बांग्लादेश में बिजली पहुँचाना है तो किसके साथ परमिट लेना ज़रूरी है? तो भारत के साथ। ठीक है, तो भारत से जो है किसने परमिट लिया है? नेपाल ने परमिट लिया है, और नेपाल जो है बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली जो है क्या करने वाला है? निर्यात करने वाला है। ठीक है, तो नेपाल जो है बिजली का निर्यात करेगा किसे? बांग्लादेश को करने वाला है, और यह बिजली जो है नेपाल के धाल केवर से लेकर बांग्लादेश के बीच में जाने वाला है। ठीक है, लेकिन बीच में भारत पड़ता है, तो भारत का कौन सा राज्य है? बिहार है। बिहार का कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर जिला है। तो अगर यहाँ से बिजली जाएगी, तो अगर बिहार के लोग इतने अच्छे हैं कि हो सकता है कि बिजली को सीधे जाने दें, नहीं तो वहाँ से सोचे कि लाओ चलो कंटिया ही बजा लेते हैं, थोड़ी सी बिजली हम भी यूज कर लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक? नेपाल से लेकर बांग्लादेश, बीच में बिहार है। बिहार का कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर जिला है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत ने क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो मुंबई में। समुद्र के ऊपर बना भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो अटल सेतु है। हाल ही में केरल सरकार ने KPP नामबियान पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो S. सोमनाथ जी को सम्मानित किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो Washington DC में हुई है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी देश को सौंपी है, और यहाँ पे जो है भारत ने मेल और फीमेल दोनों वर्गों में जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर तैयार किया गया दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर, तो ये कहाँ तैयार किया गया है? लद्दाख में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो विश्व का पहला अधिक ऊंचाई पर स्थापित पैरा स्पोर्ट्स सेंटर अगर पूछे कहाँ स्थापित किया गया है, तो लद्दाख की राजधानी लेह में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है ऊंचाई पर स्थापित करने का? क्योंकि 2028 का जो पैरिक ओलंपिक होगा, उसमें पैरा ओलंपिक भारतीय खिलाड़ियों से अधिक मतलब और बेहतर उपेक्षा किया जा रहा है, और यहाँ पर ये अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसरो अगर पूछे कि अपना पहला एनालॉग मिशन कहाँ शुरू किया है, तो वो भी इसरो ने भी अपना कहाँ शुरू किया है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर पूछे कहाँ पे है, तो यह लद्दाख में है, और इसका नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क है। हाल ही में एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो करुणानिधि स्टालिन जी को सम्मानित किया गया है, और ये कहाँ के CM थे? तो ये तमिलनाडु के CM हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह शुरू किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह INSAT 3DS को किससे प्रक्षेपित किया है? तो GSLV F-14 से प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो गुरु राम भद्राचार्य जी को, और साथ साथ में गुलजार जी को। अगर पूछे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, और पहली महिला आशापूर्णा देवी को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और पूछे किस भाषा के लिए, तो बंगाली भाषा के लिए।
सातवां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 17 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस अगर पूछे कब मनाया गया है, सॉरी 16 नवंबर को मनाया गया है, याद रखेंगे राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है, 16 नवंबर को, क्योंकि 16 नवंबर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना करी जाती है 16 नवंबर 1966 को, ठीक है। और इस बार पूछे इसकी थीम क्या रखी गई है, तो प्रेस की बदलती प्रकृति, सच में प्रेस की जो है प्रकृति जो है कैसी हो गई है, बदल गई है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि प्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रंजन प्रकाश देसाई जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 2 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन जिसे COP14 कहा जाता है कहाँ आयोजित हुआ है, उज्बेकिस्तान में हुआ है। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, तो कोच्चि केरल में करेगा। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 5 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो नेपाल में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की विजेता द फेबल फिल्म का संबंध किससे है, तो द फेबल फिल्म किसकी है, मनोज वाजपेयी जी की है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका पूछे आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह लंदन में किया गया है और इस बार 38वें क्रम का है। और इसमें जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस मूवी को दिया गया है, फेबल मूवी को दिया गया है, और यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय फिल्म हो गई है। और इस फिल्म में अगर पूछे लीड रोल में कौन है, तो मनोज वाजपेयी जी हैं, और इस फिल्म के निर्माता यानी डायरेक्टर कौन है, तो राम रेड्डी जी हैं। और इस मूवी में क्या प्रदर्शित किया गया है, क्या दिखाया गया है, तो हिमालय पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में दिखाया गया है। हाल ही में सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र फाइव कहाँ लॉन्च किया है, तो गंगटोक में किया है, जो कि सिक्किम की राजधानी है। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो आरती सरीन है। रिया सिंघा ये वर्तमान में मिस वर्ल्ड इंडिया 2024 बन गई हैं। आतिशी मरलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रीति रजक ये आर्मी की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 21 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में ऐतिहासिक जौलजीबी मेला 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो जौलजीबी मेला कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जौलजीबी मेला, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जाता है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में किया जाता है। यह जिला जो है अगर पूछे भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और किस नदी के किस संगम पर है, तो गौरी और काली नदी के संगम पर पिथौरागढ़ जिला स्थित है और यहीं पर जो है जौलजीबी मेला का आयोजन किया जाता है। इसका शुभारम्भ किसने किया है, तो इसका शुभारम्भ उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी सिंह जी ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस मेले का उद्देश्य है भारत और नेपाल के बीच बेहतर संबंध करना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहां प्रारंभ किया है, महाराष्ट्र में। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहां प्रारंभ हुआ है, तो यह मालदीव में प्रारंभ हुआ है। 3 देश कौन कौन से हैं इसमें, क्योंकि ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, तो इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है, तो मध्य प्रदेश ने जीती है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी, तो IIM शिलोंग में स्थापित होगी। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स यानी विश्व के लिए भारत क्यों मैटर रखता है, इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो S जयशंकर जी इस पुस्तक के लेखक हैं। वाई भारत मैटर से अगर पूछे पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो S जयशंकर जी हैं, जो कि वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। और ये पुस्तक अगर पूछे कहाँ से लॉन्च की गई है, तो UAE से लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, मुंबई में। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है, अजय माणिक राव जी को नियुक्त किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, कांग्रेस स्पेन में प्रारंभ हुआ है।
दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उज्जैन महाकाल की नगरी में। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमने 20 मिनट में ही क्लास को समाप्त कर लिया, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।